गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर रीडर चैप्टर टैरोज रिवॉर्ड. लेट्स कंटिन्यू दैट. आई होप यू हैव लिसन्ड द अर्लियर वीडियो सेंड टू यू. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 31. वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 31. ओके, देन लेट्स स्टार्ट दैट. Here it is. Page number 31, paragraph 6. We have to start from here. Taro saw a beautiful little waterfall hidden under a rock. Taro ne bahut sundar sa chota sa waterfall dekha jo rock ke piche chupa hua tha. Hidden hota hai chupa hua hona, which is not visible to us. Kneeling at a place where the water flowed quietly. Kneeling means गिर रहा है वहां पर जहां बिल्कुल धीरे धीरे आवाज, बहुत धीरे. Quietly means बिना आवाज के होता है वैसे तो, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बह रहा है. He cupped a little in his hand. जैसे हम hands पे बनाते हैं ना hands की position. What's the position of our hands? क्या होती है हमारे hands की position? अगर हमें पानी पीना हो, sorry, अगर हमें पानी पीना हो टैप से, तो हमारे हैंड्स की पोजीशन ऐसे होती है ना बेटा, इन दिस वे, ऐसे है ना. ही मेड पोजीशन इन दिस वे. कप बनाया उसने अपने हैंड से. एंड ही व्हाट ही डिड, ही पुट इट इनटू हिज लिप्स. और उसने पानी पिया. वाज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाज इट सके, he tasted it again and again. बार बार पिया उसने क्योंकि उसको वो फील आ रही थी. If you got नींबू पानी और simple water, you know the difference. अगर आपको दोनों में पीने को मिले तो आपको difference मालूम पड़ जाता है ना, ये तो पानी दूसरा है और ये नींबू पानी है. और is it something other, something else added in water here. Similarly, he got and always it was the delicious sake instead of cold water. ठंडे पानी की जगह वो तो delicious sake था. Taro quickly filled the pitcher. मतलब जो उसने, उसके पास bottle थी, देखो. Here it is visible in the picture. He had with him and hurried home. फटाफट घर भाग के गया. The old man was delighted. Delighted means happy with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. Swallow means पीने के बाद. उसने एक liquid की एक छोटा सा एक घूट भरा था और वो shivering उसकी कपकपी रुक गई. And did a little dance in the middle of the floor and is starting dancing. Dun 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 dun. है ना, if you got something, whatever you wished, you got that, then you feel delighted. And you became happy. Similarly, this happened to Taro's father also. That afternoon, a neighbor stopped by for his visit. A neighbor visited and he thought, what happened? What happened to Taro's father? Taro's father politely offered her a cup of the sake. उन्होंने उनको वो sake दिया जो Taro उनके लिए लाया था. The lady drank it greedily. उसको बहुत लालच आया. Oh, I need more, give me more. In that way, she drank that and thanked the old man. उसको thank you बोला. Then Taro told her the story of the magic waterfall. अब Taro ने उनको वो story बताई कि मुझे कैसे waterfall मिला और मैं कहाँ से लाया. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. उनको थैंक यू बोल के उस बहुत अच्छी सी ड्रिंक के लिए वो वहां से चली गई. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. ऐसा होता ना किसी को हमें कहीं से खजाना मिल जाए एंड वी गॉट समथिंग मैजिकल, हम तो बड़ी ऑनेस्टली किसी के साथ शेयर कर दें. पता है हमें ना वहां पे ऐसे लॉटरी लगी मेरी और आई गॉट समथिंग जस्ट लाइक दिस और समवन हेल्प मी जस्ट लाइक दिस. दूसरे लोग कॉल करते हैं, पता है उसको ना ऐसे मिला है, ही गॉट जस्ट लाइक दिस. तो पूरी कॉलोनी में, पूरे विलेज में, पूरे सिटी में फैल जाती है वो बात. सिमिलरली ऐसी वो जो छोटा सा गांव था वहाँ लॉनली हिल साइड पे, वहाँ पहुँच गई पूरी बात. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. वुड कटर के घर के बाहर इतनी लंबी लाइन लग गई.
ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वॉटरफॉल, जिसने भी वो कहानी सुनी है वो गांव से बाहर भी जाने लग गई कहानी, एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, उसने जिसने भी उसने कहा हमें भी दो थोड़ा सा हमें भी दो, इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, अब वो खाली हो गया मटका. नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर. अब टेरो और जल्दी काम पे निकला. ही कैरिड विद हिम, अपने साथ लेकर गया द लार्जेस्ट पिचर ही ओन, जो उससे सबसे बड़ा उसके पास मटका था, बर्तन था, वो लेकर गया. फॉर ही डिड इट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वॉटरफॉल, और सबसे पहले वो कहाँ पहुंचा, वॉटरफॉल पे. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, वो तो देखकर ही हैरान हो गया कि अरे उसके तो सारे पड़ोसी वहां पहुंच गए, क्योंकि अब उसको उनके घर से तो मिल नहीं रहा था. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम वॉटरफॉल पे ही चले जाएं. वी हर्ड अ स्टोरी ना अब ऑफ अ हैन एंड एन एग, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो कुछ दिन तो वो एक एक एग लेता रहा डेली उसका ऑनर, और नेक्स्ट डे उसने हैन को ही काट दिया कि सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूंगा उसके पेट से. सिमिलरली ऑल दीज मैन रीच टू द वॉटरफॉल टू गेट देयर ऑन सैके. अपने नीज पे बैंड करके बैठ जाना एंड हैंड हिज माउथ अंडर द वॉटरफॉल टू ड्रिंक. देखो यहाँ तो एक पर्सन से इतना वो ही नहीं हुआ वेट कि वो बर्तन में डाले, वो खुद ही अपना फेस इस तरह से बैठ गया करके कि वॉटरफॉल से डायरेक्ट पानी उसके मुंह में आ जाए. एंड देन शाउटेड एंगरली और गुस्से में बोला वाटर नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है. अदर्स आल्सो गेट ट्राइड, बाकियों ने भी कोशिश की बट देयर वाज नो सैके ओनली कोल्ड वाटर, वहां से ठंडा पानी था कोई सैके नहीं था. नेक्स्ट पेज वी हैव बीन ट्रैक्ड, हमें बुद्धू बनाया गया है. शाउटेड द विलेजर्स, वो चिल्लाए वेर इज टैरो, टैरो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन द वॉटरफॉल. ड्राउन होता है डुबो देना, फ्लॉट होता है ना तैरना, ड्राउन डुबोना. अब उन्होंने उसको वॉटरफॉल में सोचा चलो डुबो देते हैं इसको इसी में. बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टैरो में दिमाग तो था, ही वॉज अ वाइज मैन, वो किसी एक रॉक के पीछे जाकर छुप गया. ही हिड देयर when he saw how things were going on, जब उसने देखा ये चीज़ें क्या होती जा रही हैं, he was nowhere to be found, अब वो कहीं भी नहीं मिल रहा था. अब इसको बच्चे पे क्या पढ़ देते हैं, now here, now here नहीं है ये, nowhere, क्योंकि कहीं भी नहीं मिल रहा था वो, है ना. muttering their anger, अपने गुस्से को गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे थे वो, and disappointment, उनको गुस्सा रहा, ये क्या किया इसने, झूठ बोला, कहाँ से लाया, हमें नहीं बताया, सिर्फ खुद ले गया, all these type of words they were saying. द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने वो जगह छोड़नी शुरू कर दिया. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब टैरो वहां से बाहर आया. वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है, ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ. वॉज द सैके अ ड्रीम, क्या जो मैंने देखा वो एक सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अब वो फिर से अपने हाथों पे उसने लिया और अपने लिप्स के पास लेके गया. इट वॉज द सेम फाइन सैके, ये तो वही था. टू द थॉटफुल सन, जो इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना ड्यूटीफुल, इतना ऑबिडेंट सन था, उसको तो वही मिला. द मैजिक वॉटरफॉल गेव द डिलीशियस सैके, क्योंकि वो इतना मेहनती था इसलिए उस जादुई वॉटरफॉल ने उसको क्या दिया, सैके. एंड टू एवरी वन एल्स, और बाकी सबको क्या दिया उसने, इट गेव ओनली कोल्ड वॉटर. आई होप यू गॉट द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वॉटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. अब जापान के राजा के पास पहुंची उसके बाद. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस वुड कटर के पास भेजा लोगों को. एंड रिवार्डेड हिम फॉर विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, सोने की अशर्फियां दी उसको 20, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, कि तुम इतने अच्छे हो और इतने काइंड हो कि जब तुम लाते हो देन यू गॉट सैके, और बाकी लोग जाते हैं तो उनको क्या मिलता है वहां पे, कोल्ड वाटर.
Then he named the most beautiful fountain in the city after Tarot. ने सबसे सुंदर जो फाउंटेन था उनकी सिटी में उसका नाम भी क्या रखा? टैरो. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और emperor ने ये सोचा कि उस फाउंटेन को देखकर सभी children honor, respect करेंगे और obey करेंगे अपने parents की. Because no one could see him. कोई नहीं देखे हमें, कोई नहीं हमें ऑब्जर्व करे, कोई नहीं हमें कहे आकर. But God knows everything, beta. God has knowledge of each and every act we are doing. भगवान जी को तो सब कुछ पता है ना. हमारे बड़े भी हमें ये चीज़ कहते हैं. हम घर से बाहर निकले तो भगवान जी का नाम लेके निकले, घर आए तो भगवान जी का नाम लेकर आए. हम जो भी काम करें एक बार अपने दिल पे हाथ रख के जरूर सोचें कि भगवान जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे इस बात से, है ना. वी मस्ट थिंक अबाउट इट. वी मस्ट थिंक और नॉट बेटा. आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री विद मी दैट वी मस्ट थिंक. वट एवर वी डू वी मस्ट पुट अवर हैंड ऑन अवर हार्ट and we must think, at least close our eyes and think, whatever we are doing, is it good or is it bad for someone? Am I really hurting someone with my act? Am I disobeying my parents? Am I not getting what my parents wishes from me? Beta, we must do everything, whatever we can do for our parents, because what our parents do for us, none other will do better. Remember my words, please. You can say I am your teacher, but even then I am saying you do everything whatever makes your parents happy. If you make your parents happy, it means you are the best children of the world. कोई आपकी प्रेज करे या ना करे, आप अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं तो देन यू आर रियली द बेस्ट वन एंड यू आर रियली द रॉकिंग स्टार, सुपर स्टार्स. और पेरेंट्स क्या चाहते हैं बेटा? व्हाट दे विश? ओनली अवर फूड एट टाइम, अवर स्टडीज एट टाइम, नथिंग एल्स दे विश बेटा. They don't say us, just go out, earn money. They don't say us, do the household chores for me. I am resting, do the household work. They don't say these type of things, beta. Whatever they say for our benefit. Kindly remember my words and read this chapter thoroughly and try to learn how an obedient boy, Tarot, has got everything for his family. Okay, bye-bye.